हेलो गाइस, वेलकम टू कुडोज आयुर्वेदा। और आज की वीडियो में हम आज अब बात करने वाले हैं विंटर सीजन की। विंटर सीजन आ गया और हमारी स्किन को चाहिए बहुत ही ज्यादा हाइड्रेशन, क्योंकि हमारी स्किन हो जाती है डिहाइड्रेट, ड्राई हो जाती है। जिनकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है, या फिर कोई भी स्किन टाइप हमारी है, लेकिन हमारी स्किन जो है वो बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाती है, क्रैक हो जाती है, हमारी स्किन फटने लग जाती है, तो हमारी स्किन को बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली हाइड्रेशन की जरूरत है। तो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कुडोज आयुर्वेदा का ये एलोवेरा जेल। ये एलोवेरा जेल, आप एक एलोवेरा जेल को आप अपने डेली रूटीन में यूज करेंगे, मल्टीपल पर्पज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, हमारे हेयर केयर के लिए, हमारी बॉडी केयर के लिए। जैसे सर्दी आ रही है तो हमारे हाथों पर स्क्रैच पड़ने लग जाते हैं, एंटी एजिंग के साइन नजर आने लग जाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इसमें होती है। कुडोज आयुर्वेदा के जो ये एलोवेरा जेल में है, कोई भी प्रेजर्वेटिव कलर नहीं, आर्टिफिशियल कलर मिक्स नहीं करा हुआ है, कोई भी ट्रांसपेरेंट है, और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया है। और मैं ये बॉटल देखिए आप कितना ज़्यादा इसको हम यूज़ कर चुके हैं, और ये हमारी स्किन के ऊपर बहुत ही अच्छा सा वर्क करता है। आप इसको सिंपली मॉइस्चराइजेशन के लिए लगा यूज़ कर सकते हैं, फेस को वॉश किया, फेस को वॉश करने के साथ आप इसको जो है अपनी स्किन के पे मॉइस्चराइजर की जगह इसको लगा सकते हैं, तो पूरा दिन आपकी स्किन को जो है वो ये हाइड्रेट रखेगा। साथ के साथ आप इसको अपने हेयर केयर में यूज कर सकते हैं। आप एक चम्मच एलोवेरा जेल लेंगे, उसमें हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा कैस्टर ऑयल यूज करेंगे। तो अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा झड़ रहे हैं, तो आपको एक्सट्रीमली हेयर फॉल हो रहा है, तो आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। साथ साथ अगर आप जो है अपनी आईब्रोज को थिक करना चाहते हैं, अगर आपके आईब्रोज जैसे मेरी, अभी रिसेंटली मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया, तो मेरी जो आईब्रोज यहाँ से मेरी आईब्रोज के थ्रेडिंग के बाल नहीं है, तो बहुत हद तक जो है वो ये कवर होने स्टार्ट हो गए। सेम इसको भी मैं एलोवेरा जेल के साथ में कैस्टर ऑयल मिक्स करती हूँ। कैस्टर ऑयल को मिक्स करने के बाद जो है वो मैं अपनी आईब्रोज में लगाती हूँ। आप मेकअप करने से पहले, अगर आप मेकअप कर रहे हो, तो मेकअप करने से पहले आप प्राइमर की जगह एलोवेरा जेल को एक थिक कंसिस्टेंसी में लगाइए, एक थिक पेस्ट, थिक अपनी स्किन के ऊपर इसको अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद जो है वो आप मेकअप करिए, तो आपका मेकअप जो है वो बहुत फ्लॉलेस लगेगा, बहुत एक अमेजिंग सा लगेगा, आपकी स्किन देखने में अलग से शाइन करेगी। देखिए, जस्ट मैंने इसको अभी अप्लाई किया और मेरे चीक्स कितने ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। तो और कोई भी मेकअप जो है वो मैंने अप्लाई नहीं करा हुआ, तो ये हमारी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा सा वर्क करता है, आपके हेयर केयर्स पर, आपकी स्किन पर। अगर आपको मॉइस्चराइजर बनाना है, तो आप मॉइस्चराइजर कैसे बनाएंगे वो सुनिए। आप एक टेस्पून भर के कुडोज का एलोवेरा जेल लेंगे, साथ में आप उसमें मिक्स करेंगे एक चम्मच कोकोनट ऑयल, आप उसमें ऐड करेंगे एक चम्मच ग्लिसरीन, और फिर आप उसको जो है मैं गर्मियों सर्दियों में यही अप्लाई करती हूँ, और फिर आप अपनी स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे, और आप हाइड्रेशन देखेंगे, बहुत ही अच्छा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। आपकी स्किन को पूरा दिन किसी और मॉइस्चराइजर की या बॉडी लोशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए फर्क, ये हाथ कितना ज्यादा डिहाइड्रेट सा लग रहा है, ये देखिए व्हाइट कलर की लाइंस बन रही है, और ये कितना ज़्यादा इसने हाइड्रेशन प्रोवाइड किया। तो जी हाँ, ये एक जेल बहुत सारे मल्टीपर्पज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा जेल है, मुझे ये जेल खासकर बहुत ज़्यादा पसंद आया। लव यू ऑल, बाय।